पहली दिसंबर को होने वाले स्नातक शिक्षक चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी रवाना की गई। जिले में 41 बूथों पर मतदान किया जाएगा। राजकीय इंटर कॉलेज से रवाना हुए प्रत्येक पार्टी बूथ में पीठासीन अधिकारी समेत 8 लोग शामिल है। जिले में शिक्षक निर्वाचन के होने वाले चुनाव के लिए सोमवार को पोलिंग बूथों के लिए मतपेटी के साथ रवाना किया गया। जिले में कुल 41 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 14 शिक्षा तो स्नातक मतदाताओं के लिए 27 बूथ बनाए गए हैं। एक बूथ पर सुरक्षा के व्यायाम इंतजाम के बीच 8 लोगों की तैनाती की गई है। इसमें कुल हमारे जो पोलिंग बूथ हैं 41 हैं, और जिसमें से 14 पोलिंग बूथ जो हैं वो शिक्षक वालों के हैं, 27 स्नातक के हैं। तो कुल मिला के ये 41 संख्या होती है। और ये जो पोलिंग बूथ की लोकेशन है, लोकेशन हमारे मात्र 16 हैं, जो सभी ब्लॉकों और नगर पालिका मिर्जापुर और अरोरा और चुनार, ये कुल मिला के हमारे 16 लोकेशन हैं जहां पर ये पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। और ये पोलिंग पार्टियां भी 12 बजे तक रवाना हो जाएंगी। इसमें हमारी तरफ से हर एक पोलिंग बूथ के लिए एक पीठासीन अधिकारी है। उसके अतिरिक्त P1 P2 P3 3 और हैं, ये टोटल 4। इसके अतिरिक्त सुरक्षा साथ में जा रही है हर एक पोलिंग बूथ के लिए। तो कुल मिला के 8 की संख्या है एक पोलिंग बूथ के लिए। इसके अतिरिक्त हमने माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगा रखे हैं और वीडियोग्राफर भी हैं, जहां पर वो पोलिंग बूथ में रिकॉर्डिंग भी करेंगे। तैयारी पूरी है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है और टीम पूरी अब रवाना होने वाली है। मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट।